आज हम मिलने जा रहे हैं तुलजा भवानी ज्वेलर्स के ऑनर्स को। आपका नाम सर? नीलेश सोनी, हम तुलजा भवानी ज्वेलर्स कर रहे हैं जी। आज हम यहाँ पे एस जे एस सूरत ज्वेलरी शो में जो एग्जीबिशन हो रहा है इंडोर स्टेडियम में, तो आज यहाँ पे जो एग्जीबिशन हो रहा है आज उसका दूसरा दिन है, तो आप कैसा फील कर रहे हो? आप मतलब ये जो आपने एग्जीबिशन में पार्टिसिपेंट किया हुआ है तो कैसा लग रहा है आपको? मैं बोलना चाहूँगा कि एस जे एस पहले तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो अभी नज़दीक में आ रहा है, शादी की सीज़न आ रही है, उसके लिए बहुत बढ़िया अच्छा प्लेटफॉर्म है। और फर्स्ट दिन और सेकेंड डे हमने देखा कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और प्रीमियम कस्टमर हमको ये शो से मिलते हैं। बहुत ही बढ़िया बात है। आई थिंक ये एस जे एस सूरत ज्वेलरी शो का एक फोर्थ एडिशन है मेरे ख्याल से, और आज स्पेशली आपने सैटरडे नाइट का शॉपिंग फेस्टिवल भी रखा था, तो उसी में आपको कैसा रिस्पॉन्स हुआ? उसमें देखिए, एक हिसाब से देखने जाए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि लेडीज़ 7 बजे के बाद थोड़ी फ्री भी हो जाती है और साथ में हस्बैंड को पैसा है तो उनको ही देना है, तो उनके साथ आ भी सकती है, तो इसके लिए बहुत बढ़िया है। बहुत ही बढ़िया बात है। तो आपने यहाँ पे जो एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया है, तो यहाँ पे ज्वेलरी जो मैं अभी देख रही हूँ, तो क्या क्या एक्सक्लूसिव आपने यहाँ पे रखा हुआ है कि जैसे वुमन्स आके देख के ऐसा लगे उनको कि मैं ये लेके ही जाऊँ? ओके, जैसे हम पूरे गुजरात में फेमस है हमारे ब्राइडल चूड़ों के लिए, जिसकी लेडीज़ बहुत साल पूरे साल से राह देखती कि कब तुलजा भवानी का शो लगे एस जे एस में और हम वो चूड़ों की खरीदी कर ले, तो वो हमारी मेन MSP है कि वो उसके लिए यहाँ जैसे अभी एस जी एस आता है तो हम उसके लिए पूरे साल मेहनत करते हैं कुछ नया क्या लाए, तो इस बार हम लोग चूड़े नए लाए और दूसरा अभी हम लोगों ने जड़ाव के अंदर फ्यूज़न कलेक्शन भी लॉन्च किया हुआ है। बहुत ही बढ़िया बात है। तो मैं सभी ये स्पेशल वुमन्स के लिए सैटरडे नाइट फेस्टिवल रखा गया है, 11 बजे तक चलने वाला है रात को, तो बिल्कुल आप यहाँ पे विजिट करिए और अपनी मनपसंद ज्वेलरी लेके जाइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।